डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ अहमद टीचर, क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी विल स्टार्ट पैराग्राफ 3rd। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड Finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana, without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible for a bundle of hay. When Toto was finally accepted by grandmother, जब टोटो के बारे में ग्रैंड मदर को पता चल गया कि ग्रैंड मदर को पता चला कि टोटो उसके घर में है, तो उसने टोटो को स्टेबल में घर जगह बना के दी, जहाँ के दूसरे जानवर भी थे, जिसमें फैमिली डंकी था जिसका नाम था नाना। नाना एक फैमिली डंकी था, उसके साथ स्टेबल में उसको जगह दी गई। टोटोज फर्स्ट नाइट इन स्टेबल, जो पहली रात थी टोटो की स्टेबल में। स्टेबल होता है वो एक जगह जहाँ जानवरों को बांधते हैं, जैसे काउ शेड होता है ऐसे ही। तो ग्रैंडफादर पेज विजिट टू सी इट वाज कंफर्टेबल, पहली रात जब उसको उसमें बांधा गया तो देखा ग्रैंडफादर में क्या तमाम जानवर वहाँ पे सब कुछ ठीक है, कंफर्टेबल हैं। तो उस जब उसने देखा वो सरप्राइज हो गया कि नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग हर हाल्टर होता है स्ट्रैप और रोप, एक रस्सी जो जानवरों के गले में बांधी जाती है, उनको बांधने के लिए उनके गले में रस्सी बांधी जाती है ताकि कोई भी जानवर जो है इधर उधर हिल ना जाए। तो उसके गले के इधर इर्द गिर्द रस्सी बांधी होती है, जिसको हाल्टर कहते हैं। तो हे कहते हैं, HAY हे होता है सूखी हुई घास को, सूखी घास को हे बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये जो टू सरप्राइज, उसने जब देखा कि जो नाना जो है वो रेस्टलेस है, तो उस वो ये कोशिश कर रही थी नाना के वो अपने गले में जो उसका रस्सा बांधा हुआ था उसके आगे जो घास का बंडल पड़ा हुआ था उससे दूर रहे, फार एज पॉसिबल फ्रॉम बंडल ऑफ हे, कि उस बंडल ऑफ हे से वो दूर ही रहे वो जो सूखी हुई घास थी। नेक्स्ट, ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस द हंचीज, हंच कहते हैं बैक। ग्रैंडफादर ने नाना को थप्पड़ लगाया उसकी बैक पे, एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। जब उसने उस नाना को थप्पड़ जोर का लगाया बैक पे, तो वो भी टोटो भी उसके साथ खींचा चला गया, ड्रैग खींचना विद हर उसके साथ। He had fastened on her long ears with this sharp little teeth. वो क्यों, नाना क्यों ज़्यादा रेस्टलेस थी, क्योंकि राइटर कहता है कि उसके कान जो थे अब वो उसके कान अपने दांतों से टोटो काट रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड, टोटो नैना राइटर के मुताबिक नाना और टोटो कभी फ्रेंड नहीं बने, दोस्त नहीं बन पाए।
A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given to him by grandmother for both. टोटो जो है सर्दियों का मौसम जो होता था तो वो जो दादी माँ थी राइटर की वो टोटो को एक बड़ा प्याला बहुत बड़ा बाउल होता था उसमें पानी गर्म करके उसके बाथ के लिए उसके नहाने के लिए देती थी उसको किसको टोटो को. ही वुड कनलिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड एंड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ फर्स्ट वन फुट एंड देन द अदर. वो क्या करता था कनंगली मीन होता है सेल्फिश वे. वो एक सेल्फिश वे से पहले क्या करता था टोटो बड़ा शरारती था और वो क्या करता था टेस्ट करता था पानी का जो टेम्परेचर दर्जा हरारत कैसा है इसका टेम्परेचर कैसा है. पहले वो अपना एक क्या करता है विद हिज हैंड हाथ के साथ टेम्परेचर देखता था कि पानी का ज़्यादा तो नहीं है. देन ग्रेजुअली आस्ता से स्टेप इनटू द बाथ और आस्ता सा जाता था नहाने के लिए. फर्स्ट वन फुट पहले वो एक पाउंड डालता था उसमें देन द अदर दूसरा फिर दूसरा. एज ही हैड सीन मी डूइंग अनटिल जैसे कि उसने मतलब बाकी वालों को देख के वो नकल करता था. अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप एंड हिज नेक और आस्ता आस्ता वो पूरा अपने नेक में पानी में डूब जाता था. वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक सोप इन हिज हैंड एंड फीट एंड रब हिमसेल्फ ओवर. वो क्या जब पानी में जाता था तो वो साबुन को अपने हाथ में लेता था तो पाँव के ऊपर जिस्म के ऊपर मतलब वो रगड़ता था रब मने रगड़ना रगड़ता था. When the water become cold, जब पानी ठंडा हो जाता था he would get out and run quickly और उसे बाहर निकल के जल्दी जल्दी क्विकली जल्दी जल्दी as he could to the kitchen fire in order to dry himself. दौड़ के वो चला जाता था किचन में किचन गर्म वहाँ किचन में आग जलना करती थी तो वहाँ अपने आप को सुखाने के लिए टोटो जल्दी जल्दी चला जाता था. इफ़ एनी वन लाफ्ट एट हिम अगर कोई उसको देख के हंस जाता ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस ये एक्टिविटी करते हुए इस तो टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट. टोटो की फीलिंग को हर्ट होती थी वो उसको ये बात अंदर लग जाती थी चोट लगती थी मीन्स के उसकी फीलिंग्स को चोट लगती थी कि मुझे कोई क्यों हंस गया है. एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हीज बाथ. वो फिर इसी गुस्से में वो फिर नहाने के लिए कभी नहीं जाया करता था वो इनकार किया करता था कि मैं नहीं नहूँगा नखरे करता था. वन डे टोटोज नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन टोटो ने अपने आप को जिंदा जलने से बचा लिया. तो आज का ये पैरा यहाँ तक ये फोर्थ पैरा इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पैराग्राफ की समझ आई होगी. खुदा हाफिज़.